नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूनाइटेड इंजीनियर कॉलेज में गंगा यात्रा के प्रयागराज आगमन पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। माननीय सांसद इलाहाबाद रीता बहुगोड़ा जोशी ने रुद्राक्ष की माला भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, माननीय केंद्र जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, माननीय मंत्री जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह, माननीय सांसद फूलपुर श्रीमती केसरी देवी, माननीय सांसद इलाहाबाद डॉक्टर रीता बहुगोड़ा जोशी, माननीय मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता, माननीय मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह जी, माननीय मंत्री नीलकंठ तिवारी जी, श्री दारा सिंह जी, शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहां आए माननीय योगी आदित्यनाथ जी व अन्य गणमान्य जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मित्रों, देर हो गया है आप सबको, इसलिए इस राज्य के अंदर जो जातिवाद के लिए भी गंगा यात्रा को संबोधित कर रहे हैं, सपा खानदान के लोग नहीं जीते हैं, केवल वंशवाद के लिए जीते हैं, किसी यादव समाज के लिए भी नहीं जीते हैं। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ते हैं, पत्नी डिंपल कन्नौज से लड़ती है, परिवार बदायूं से लड़ता है, दूसरा फिरोजाबाद से लड़ता है, मैनपुर से लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश है। मैं इस अवसर पर, इस यात्रा के प्रयागराज की धरती पर आगमन पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस नमामि गंगे यात्रा को देश की आस्था अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया, तो मैं भी इस बात को नहीं समझ पाता था कि क्या इतना समर्थन यात्रा के लिए लोगों का मिलेगा। मैं पिछले 3 दिनों से यात्रा को देख रहा हूं, यात्रा में स्वयं चला भी हूं, आज दोपहर में भी मैं यात्रा में था और फिर प्रयागराज में, क्योंकि माघ मेला चल रहा है, तो कुछ पूज्य संतों के साथ मुलाकात करने के लिए मैं मेला परिसर में आ गया था। लेकिन मैंने देखा है रास्ते रास्ते पर हजारों की संख्या में स्वतः स्फूर्त भाव के साथ भारत की आस्था का दर्शन अगर आपको करना है तो गंगा यात्रा की स्वागत के लिए उमड़ रहे जल सैलाब के माध्यम से देखा जा सकता है। इस आस्था को कोटि कोटि नमन करता हूं, मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके कारण मां गंगा की कृपा एक बार फिर से इस धराधाम पर प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। हमने मां गंगा की निर्मलता का प्रचार प्रसार होता है तो जनजीवन में वहां खुशहाली आती है, किसानों के बीच में खुशहाली आती है, वहां पे जो निषाद समाज है उसके बीच में खुशहाली आती है और यही खुशहाली जो 40% आबादी है जो गंगा के साथ रहती है शहरों और गांव में, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, इसलिए अखिलेश जी इसको अर्थ गंगा कहा जाता है। और जहां तक कि गंगा स्वच्छ है तो मैं आपको अपने भाई महेंद्र सिंह से कहूंगा कि एक दफे विपक्ष में और अखिलेश यादव जी को निमंत्रण भेजते, 31 तारीख को वो आचमन तो शायद करेंगे नहीं मगर उनको दृश्य बन रहा है, वो देखने को बन रहा है और सारे देश के अंदर इस यात्रा का बहुत अच्छा प्रभाव जा रहा है। भारत माता के लाल जननायक नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे को ट्विटर बनाने का एक अभियान
विधानसभा रही है, कुछ आंशिक विधानसभा का हमारा यहाँ पर हंगाता है। मैं उन सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम सबका परम सौभाग्य है कि हम ऐसे कालखंड में हैं जहाँ एक ओर देश की बागडोर परम तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सपने को, उनके भविष्य को एक कर्मयोगी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में भविष्य सुरक्षित है। जिस तरह से माँ गंगा का पावन जल भारतवासियों के लिए कल्याणकारी है, जीवनदायी है, और बिना किसी भेदभाव के माँ गंगा का जल अविरल करोड़ों किसानों के यूनाइटेड कॉलेज के कार्यक्रम के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री जी ने आरती के उपरांत दीपदान भी किया। आरती एवं दीपदान के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा यात्रा के सेल्फी पॉइंट पर जाकर फोटो भी खिंचवाई। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।